छिंदवाड़ा जिला की ग्राम पंचायत रामगढ़ की गौशाला के बारे में। यहाँ जब से गौशाला बनी है तब से इस गौशाला में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ का चौकीदार भी अंधेरी में ही निवास करता है, गौ माता भी अंधेरी में ही रहती है। इस गौशाला में बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं हैं। ऐसा लगता है कि गौ माताओं को पीने का पानी भी टाके में कई कई दिनों से भरा रहता है। जब पीने का पानी को देखा गया तो पानी में कई जमी हुई पाई गई। गौशाला के आसपास भी साफ सफाई नहीं रहती है। साफ सफाई नहीं रहने के कारण गौ माताओं को बीमारी हो सकती है। साफ सफाई को लेकर ग्रामीण जन एवं उप सरपंच मिश्रीलाल तिकराम ने स्व सहायता समूह जय माता दी समूह को जमकर फटकार लगाई और कहा, यदि गौशाला में साफ सफाई एवं पीने के पानी में ध्यान नहीं दिया जाएगा तो गौ माता मच्छरों से परेशान रहेगी और उनको बीमारी जकड़ लेगी, जिससे उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। उप सरपंच ने गौशाला में गायों की मूलभूत सुविधाओं का भी निरीक्षण किया और जिस समूह को रखरखाव का कार्यभार दिया गया है उनको समझाइश दी गई। उन्होंने शासन से आगे यह भी मांग की है कि यदि जल्दी बिजली की व्यवस्था नहीं की गई तो उग्र आंदोलन कर सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। गौशाला निरीक्षण में उपस्थित इस उप सरपंच मिश्रीलाल त्रिकाम, जनप्रतिनिधि गणपत बंजारा, गिरधारी परते मोहन तिकराम आदि मौजूद थे। गौशाला इसके पहले भी आए थे, यहाँ समस्याएं थी लेकिन काफी कुछ हल हुई, जिसमें सबसे प्रमुख समस्या यहाँ बिजली नहीं है जी। पूरा अंधेरा पड़ा है, चार महीने से जो ट्रांसफार्मर पड़ा है और आजू बाजू साफ सफाई का भी अभाव है। तो अभी उन्होंने बोला कि हम कर लेंगे लेकिन यहाँ की प्रमुख समस्या बिजली। चोरी से बीसीएन न्यूज के लिए संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।